ये है थ्री इडियट्स का एक सीन। ये तो हीमन है, हीमन। अरे अरे ना ना सॉफ्ट और सॉफ्ट। चिकना चिकना चिकना। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो आधे नंगे मुर्गे की पोजीशन में सल्यूट कर रहे हैं अपने सीनियर्स को, और मूवी में ये सीन एक कॉमेडी सीन। ऐसी एक कहानी है इंडिया के कई स्टूडेंट्स की, स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स। देखिए, रैगिंग इज नॉट अलाउड। ए, बिल्कुल अलाउड है यार। कौन बोला तुझको अलाउड नहीं? पर एक फर्क है, इस मूवी में जहाँ ये सीन एक कॉमेडी सीन था, असल जिंदगी में ये मजाक से बहुत दूर है। मजाक? किसी भोले भाले को भेड़ियों की तरह घेर के उसकी इज्जत उसकी शख्सियत को नोच लेना मजाक है। स्वप्नोदी, वो 18 साल के स्टूडेंट थे कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में। 6 अगस्त को वो अपने घर पर निकले इस महान कॉलेज में पढ़ाई करने निकले। 4 दिन बाद उनके परिवार को पता चला कि स्वप्नोदीप कभी लौटेंगी नहीं। कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के एक छात्र का शव मिलने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। कुछ छात्रों ने रैगिंग के बारे में जिक्र किया गया है, जो एक कारण हो सकता है इस छात्र के डेथ के लिए। स्वप्नदीप के पिताजी ने मर्डर की कंप्लेंट दर्ज करी पुलिस स्टेशन में। 9 अरेस्ट भी हो चुकी हैं इस केस से संबंधित। With these 6 arrests, a total of 9 accused have been arrested in the case. अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि रैगिंग तो बहुत कम कॉलेजेस में होती है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुई, तो एक YouTube वीडियो बनाने की क्या जरूरत है इस पर? पर आप गलत हैं। UGC ने 2016 में एक स्टडी करवाई थी जिसने दावा किया कि करीब 40% इंडियन स्टूडेंट्स ने किसी ना किसी तरीके की रैगिंग फेस करी है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए कपड़े उतारो। हाँ, कपड़े उतारो, समझ नहीं आई क्या? पर मोहक, रैगिंग तो चलती रहती है, दोस्ती बनानी पड़ती ना सीनियर्स और जूनियर्स के बीच। पर रैगिंग बस दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं करी जाती, रैगिंग अंजाम है हमारे समाज में साइकोलॉजिकल इश्यूज का। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये है पोन, जो 1996 में तमिलनाडु के राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट थे। क्योंकि वो पहले साल के थे तो उनके साथ रैगिंग हुई थी, जहाँ उनको नंगा किया गया और मजबूर किया गया कि उनको एक सीनियर के जूते चाटने होंगे। क्योंकि वो एक वाइस चांसलर के बेटे थे, उन्होंने कहा वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे नहीं, पर उनके साथ जो हुआ उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आने वाले दिनों में उनके बॉडी पार्ट्स मिले तमिलनाडु के कई हिस्सों में। पुलिस की चार्ज शीट में लिखा गया कि क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी, इसलिए उनको पीटा गया और फिर मार दिया गया। जिसके बाद 1997 में तमिलनाडु हमारे देश का पहला राज्य बना जहां रैगिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया रैगिंग को पूरे देश में, और इसके साथ उन्होंने एक और चीज करी, उन्होंने ये डिफाइन किया कि रैगिंग होती क्या है। आसान शब्दों में बताऊं तो रैगिंग उस एक्ट को कहलाया जाता है जब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव करते हैं, जिससे दूसरे स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल चोट पहुंच सकती है। ये तब होता है जब एक स्टूडेंट को ऐसी चीजें करने के लिए बोला जाता है जो नॉर्मली नहीं होती, और जिससे वो एम्बैरेस हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स ने भी अपनी अपनी एक्ट पास करी रैगिंग के बारे में, जिसके बाद हमारे देश में रैगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए, वीडियो खत्म। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ। UGC के एंटी रैगिंग सेल के हिसाब से 2021 में 511 रैगिंग कंप्लेंट्स दर्ज हुई। 2018 में बैंगलोर के एक लॉ स्टूडेंट ने अपने रैगिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करी। इस कॉलेज में हर साल एक इवेंट होता था स्कैवेंजर हंट का, पर हर साल इस इवेंट में कॉलेज के सीनियर्स सबसे लंबी और सबसे पतली लड़कियों की नीलामी करते थे। मॉडल मटेरियल ना हेलीज कॉमेट की तरह आता है। ओ तेरी, हेलीज कॉमेट। अब आप कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है, पर बड़ी बात है क्योंकि रैगिंग भी बस एक तरीके की नहीं है। इनफैक्ट UGC की स्टडी ने दिखाया कि 35% लोगों ने कहा कि उनके साथ माइल्ड रैगिंग हुई थी, जहां उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ा, क्या नाम क्या तेरा, सीनियर्स को सर या मैम बुलाना पड़ा, सॉरी सर, या फिर एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ा, आज रात को अंडरवेयर बिना होल वाले पहनना। और 4% लोगों ने कहा कि उनके साथ सिवियर रैगिंग हुई, जहां उनको पीटा गया और फिजिकल और मेंटल अब्यूज से गुजरना पड़ा। इस स्टडी ने दिखाया कि रैगिंग सबसे बुरी प्रोफेशनल कॉलेजेस में है, ऐसे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, क्योंकि हमारे देश में इन कॉलेजेस में घुसना सबसे मुश्किल है, जैसे IIT हो गया या फिर एम्स हो गया। तो जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में घुस जाते हैं उनमें बहुत गर्व होता है इस बात का, पर कॉलेज में एडमिट होना काफी नहीं है। अगर कॉलेज में एक एक्सक्लूसिव स्टेटस चाहिए तो आपको ये स्टेटस कमाना होगा। कैसे?
रैगिंग के रिचुअल को पास करके जहां आपका शर्मनाक तरीके से अपमान किया जाएगा सबके सामने। जो पास हो गया उसको ये हाई स्टेटस मिल जाएगा। इधर आ, बच्चे का टाइम खराब कर रहा, बैठ इधर आ। पर आप ये मत समझना कि रैगिंग बस इंडिया में होती है। रैगिंग की शुरुआत हुई थी 8वीं सदी में ग्रीस के ओलंपिक्स में। जो एंशिएंट ओलंपिक्स थे वो बहुत ही ब्रूटल थे। उस जमाने में ओलंपिक्स बहुत अलग थे। एथलीट्स कपड़े नहीं पहनते थे और उनके सामने बस दो रूल्स थे कि वो एक दूसरे को नोच और काट नहीं सकते थे। The athletes would take the oath of Olympia in front of the judges. अब ओलंपिक गेम्स इतनी भयानक होती थी कि पार्टिसिपेंट्स में टीम स्पिरिट बढ़ाना बहुत जरूरी था और इस टीम स्पिरिट के लिए स्टार्ट हुई रैगिंग, जहाँ लोगों को एम्बेरस किया जाता था। कहा जाता है कि 18वीं सदी में यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में कई स्टूडेंट बॉडीज क्रिएट हुई और एक वेलकमिंग ट्रेडिशन के तौर पे इन स्टूडेंट बॉडीज ने रैगिंग स्टार्ट करी। पहली रिपोर्टेड डेथ जो रैगिंग की वजह से हुई थी वो हुई अमेरिका में। 1873 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मारे गए न्यूयॉर्क सिटी में। पर रैगिंग और भयानक होने वाली थी और उसके पीछे वजह थी वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 इतनी भयानक थी क्योंकि कई वेपन्स और केमिकल गैस यूज करी गई, जिसकी वजह से वो लोग जो आर्मी में सर्व कर रहे थे उनको एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका लगा। आर्मी में कई स्टूडेंट्स भी थे जो वर्ल्ड वॉर के बाद अपने कॉलेज वापस गए पढ़ने, पर जब वो कॉलेजेस वापस गए अपने साथ साथ वो एक आर्मी का ट्रेडिशन भी लेकर आए, रैगिंग। वर्ल्ड वॉर 1 के आर्मी सोल्जर्स ने फिर रैगिंग दुनिया भर में पॉपुलर कर दी। कहा जाता है फ्रांस में वो स्टूडेंट जो एक मास्टर्स डिग्री हासिल करना चाहते थे उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाना था कि उनकी रैगिंग हो चुकी है और वो कॉलेज के लिए रेडी है। 1960s में कुछ लोगों ने कहा कि नेदरलैंड्स में रैगिंग वर्ल्ड वॉर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की तरह बुरी थी। एक ट्रेडिशन के हिसाब से 200 स्टूडेंट्स को एक छोटे से कमरे में पैक किया जाता था और उनके खिलाफ बहुत बुरे कारनामे किए गए। रैगिंग के भी कई नाम है दुनिया भर में, हेजिंग हो, फैगिंग, बुलिंग या फिर डूप। इन सभी जगह एक चीज कॉमन है, ह्यूमिलिएशन। वो प्रैक्टिस जो स्टार्ट हुई वेस्टर्न देशों में वो धीरे धीरे इंडिया में भी आई। इंडिपेंडेंस से पहले रैगिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया अंग्रेजों के आर्मी कॉलेजेस के द्वारा। इन कॉलेजेस में भले ही रैगिंग एक जोक की तरह स्टार्ट हुई होगी पर 1980s में बहुत भयानक हो गई। रिसर्च ने दिखाया कि जैसे स्टूडेंट्स मूवीज और न्यूज के जरिए और वायलेंस देखने लगे, ये बिहेवियर रैगिंग में इस्तेमाल होने लगा। 1990s में ये सिचुएशन बद से बदतर हो गई क्योंकि इस समय कई नए प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस आने लगे हमारे देश में। इसका अंजाम हुआ 1996 का तमिलनाडु का ये केस। रैगिंग चाहे इंडिया में अंग्रेज लेकर आए पर ये ट्रेडिशन हमारे समाज में रुका क्यों नहीं? UGC ने अपनी रिपोर्ट में बहुत बारीकी से दिखाया कि रैगिंग होती कैसे है। इसके पीछे सिचुएशनल कंडीशंस और कल्चरल और इंडिविजुअल रीजंस भी जिम्मेदार है। हमारे समाज में बहुत आम बात है कि अगर कोई ये बोले कि बच्चों को डिसिप्लिन मारपीट से ही किया जा सकता है। 2018 की रिसर्च ने दिखाया करीब 77% पेरेंट्स ने माना कि उन्होंने अपने बच्चों को पीटा है और 19% ने माना कि उनके लिए यही तरीका है अपने बच्चों को सीधा करने के लिए। 2020 की रिपोर्ट ने दिखाया कि चिल्लाना, पीटना और अपने बच्चों को खाना ना देना कुछ तरीके थे जिससे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते। ये चीज बस घरों में नहीं होती, जो चीज घरों में होती है वो हमें स्कूल्स में भी देखने को मिलेगी। 2007 के सरकारी डेटा ने दिखाया कि करीब 65% स्कूल बच्चे फिजिकली पनिश हो चुके अपने टीचर्स से। फिजिकल पनिशमेंट के अलावा अगर हम मेंटल हैरेसमेंट को भी जोड़ दें तो फिर वो संख्या 99% हो जाती है। बच्चे ही नहीं बड़ों को भी इस चीज से गुजरना पड़ता है। 2021 में करीब 30% मैरिड महिलाओं ने माना कि उनको फिजिकल वायलेंस भुगतना पड़ा। सरप्राइजिंग चीज ये नहीं है कि इंडियन महिलाएं वायलेंस से गुजरी। सरप्राइजिंग चीज ये है कि 2018 की स्टडी ने दिखाया कि करीब आधी से ज्यादा इंडियन महिलाओं ने माना कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को पीटे उनको डिसिप्लिन करने के लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको हमारे समाज की पूरी राम कथा इसलिए ही बता रहा हूँ कि हमारे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वायलेंस से किसी को डिसिप्लिन किया जा सकता है। पति कोई बात समझा रहा है लेकिन पति नहीं, पत्नी नहीं मान रही है। फिर दो लगेंगे जब आएगी इसकी समझ में।
दो लगने के बाद वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी। डॉक्टर शेखर शेषाद्री जिन्होंने रैगिंग पर रिसर्च करी, उन्होंने कहा कि वो चौकन्ना हो गए थे ये जानकर कि हमारे समाज पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रैगिंग बहुत एक्सेप्टेबल है। हमारे समाज के स्टूडेंट्स ने यही देखा है कि जिसको पीटा जाए वो डिसिप्लिन हो सकता है। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स जो रैग करते हैं दूसरों को, वो अपने मन में ये मानते हैं कि वो एक्चुअली उस स्टूडेंट का भला कर रहे हैं। अभी जरूर पिटाई हो रही है पर बाद में उसको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अब आप बोलोगे कि अगर एक बार किसी की रैगिंग हो गई और जिसको इस भयानक चीज से गुजरना पड़ा, कम से कम उसमें तो अक्ल आएगी ना कि वो रैगिंग ना करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये है अग्निपथ मूवी का सीन। मुक्ति नहीं मास्टर, अरे फूल बन के पैर पे लटकेगा तू। एक यंग लड़का जो अपने पिताजी की मौत देखता है, बदला लेने के लिए वो खुद गैंगस्टर बन जाता है और धीरे धीरे उन्हीं लोगों की तरह बन जाता है जिसने उसके पिताजी को मारा। ऐसी कहानी रैगिंग की है। कई स्टडीज ने दिखाया कि जब हमारे साथ बदसलूकी होती है, वही चीज हम दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। हमने बात करी साइकोलॉजिस्ट विक्रांत बाबू से इस चीज को बेहतर समझने के लिए। Practice or they put it out onto others. So they would have been a victim of being ragged. So that also sometimes can be a potential factor why they end up ragging other students in the college or school. क्योंकि ragging ultimately एक चीज के बारे में है, power. Ragging के जरिए लोग ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कितनी power है. And in certain scenarios there is a general desire for power and control. So they would want to somewhere modulate the behavior of other person. Especially ragging is taken as a tradition. It started as a tradition, a college induction tradition. When a fresher is walking in, the seniors used to engage into certain acts or activities that can generally help them getting inducted. But over the days, this has become so intense that it has become a source of stamping their authority. So showing the power and control that they have over others. बोलो इधर आया। इधर आ। कहाँ बच्चे का time खराब कर रहा है? बैठ इधर आ। शाबाश। बोला किसके लिए नहीं अब? इसी की। ये वो कर सकते हैं अपने जूनियर्स को मजबूर करके कि वो उनको सर या फिर मैम बुलाएं, उनके असाइनमेंट्स करें या फिर उनके कपड़े धोएं। यूजीसी की रिपोर्ट ने दिखाया कि 30% लोग ये मानते थे कि रैगिंग से फ्रेशर्स सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। पर रिस्पेक्ट जरूरी क्यों है, इसके बारे में यूपी के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के थर्ड ईयर स्टूडेंट ने जवाब दिया, जिन्होंने कहा कि जब जूनियर्स कॉलेज में आते हैं तो उनको पावर डायनामिक समझनी चाहिए, क्योंकि मैं कॉलेज में कई टाइम से हूँ, मैं उनको सिखा सकता हूँ कि कैसे बिहेव करना है और क्या करना है। पावर के अलावा कई स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि रैगिंग से दूसरे स्टूडेंट्स का भला हो रहा है, क्योंकि रैगिंग से आप समझोगे रियल जिंदगी के बारे में। ये दुनिया बहुत टफ है, अगर आप छोटी सी रैगिंग नहीं सह पाए आप बाहर की दुनिया में कैसे जियोगे। इसलिए कहा जाता है कि रैगिंग एक ट्रांजिशन मोमेंट है जहाँ बच्चे से बड़े हो जाओगे। मतलब तूने लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। तू एक काम कर, तू गर्ल्स हॉस्टल जा और लड़कियों के कपड़े लेके आ। तो चुरा के लाऊं? अबे चोमो मार, चुराते हैं मांग के लेके आते हैं। ये सिचुएशन लड़कों के लिए और बुरी है, क्योंकि उनको ये दिखाना होता है कि वो कितने टफ हैं और किन चीजों से गुजर सकते हैं। इस वजह से जहाँ कई बार उनको स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करनी पड़ती है, कई बार उनकी पिटाई भी होती है। This is violence, आप दूर जाइए। क्योंकि उनको ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो अपने माँ के एक छोटे से बेटे नहीं है, वो एक आदमी बन चुके हैं। इसी वजह से रैगिंग बस कॉलेजेस में नहीं बल्कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भी पाई जाती है। इट इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन कि मतलब क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, क्या क्या मिल सकता है आपको प्रसादा। जहाँ इसको बुलाया जाता है रगड़ा। किसी भी ग्रुप में जब आप घुसते हो तो उस ग्रुप के रूल्स होते हैं, जो रूल्स किसी पेपर में लिखे नहीं होते, पर उन रूल्स का आपको पालन करना पड़ता है। रूल नंबर वन, रैगिंग वैसा ही एक रूल है कई सोशल ग्रुप्स में। अगर आपको इस ग्रुप में घुसना है तो आपकी रैगिंग जरूर होनी चाहिए। इसी वजह से जिसकी रैगिंग होती है वो कंप्लेंट दर्ज नहीं करना चाहता। कैसे कंप्लेंट, व्हाई? क्योंकि अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो हो सकता है कि उनको ग्रुप में एंट्री ना मिले। नहीं नहीं, कॉलेज में सीनियर्स बाप होते हैं और बाप की कंप्लेंट किससे कर सकते हैं भला। इसी वजह से जहाँ करीब 40% स्टूडेंट्स को रैगिंग से गुजरना पड़ता है, बस करीब 9% ही इस चीज को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट ना करना तो अलग चीज है, कई लोग तो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अरे आप लोग पागल हो गए हो क्या? अगर मैं सीनियर्स की कंप्लेंट करूंगा तो मुझे फाइनल्स के लिए नोट्स कौन देगा? पर हमें ये भी समझना होगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग नहीं होती। जैसे यूजीसी की रिपोर्ट ने कहा कि 57% लोगों ने कोई रैगिंग फेस नहीं करी। यू में मतलब ये देखने को मिलेगा आपको कि रैगिंग से रिलेटेड चीजें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट जो हमें सीनियर्स से मिली है
उससे तो मुझे मतलब अपने 3 साल में कभी नहीं लगा कि रैगिंग हुई है। कई लोग रैगिंग को जरूरी भी मानते हैं अच्छे रिलेशंस डेवलप करने के लिए। ऐसे मिस्टर इश्तियाक और मिस्टर संजय जो 1980s में केरला के सेम कॉलेज में पढ़े और इन दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, इसके बावजूद कि संजय जी की रैगिंग इश्तियाक करते थे कॉलेज में। तो इनफैक्ट रैगिंग एक तरह से बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था जो कि हमको कॉलेज में अदर्स से बिल्कुल फ्री कर दिया। जाहिर सी बात है, हम उनके साथ डांस कर रहे हैं, उनके साथ गाना गा रहे हैं। आज हम लोग का बहुत बहुत अच्छा है। हम लोग साल में मिनिमम एक बार और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार तो मिलते ही मिलते हैं। 33% स्टूडेंट्स ने माना कि रैगिंग से उनको मजा आया। आधो ने कहा कि उनको पहले जरूर बुरा लगा पर बाद में वो ठीक हो गए। 95% स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको नहीं लगा कि इसके बारे में उनको कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्लेन नहीं करते, सीनियर्स को लगता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसी ने आज तक कंप्लेन नहीं करी तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ। ये सिस्टम चलता है तब तक जब तक एक स्टूडेंट बिल्कुल टूट नहीं जाता। अच्युता कृष्णा 17 साल के थे जब उनकी भर्ती हुई तेलंगाना के एक मेडिकल कॉलेज में। कॉलेज के पहले दिन उनको बोला गया कि वो शाम के 5 बजे से सुबह 1:30 बजे तक बैठ नहीं सकते थे। जब उन्होंने पानी की मांग करी, पानी की बजाय उनको बियर पीनी पड़ी और सिगरेट फूंकनी पड़ी। शर्ट निकाल के उनको डांस के लिए बोला गया। जब वो ये टॉर्चर सह नहीं सके वो कॉलेज छोड़कर घर भाग गए। 2008 में जयपुर में एक वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट के रैगिंग के बाद साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट और काउंसलिंग करानी पड़ी। The children's education starts getting affected. So parents notice it as there is a change in the child's personality and he's not putting as much as effort as he did in the past. Ragging का impact students पर बस कुछ मिनट तक नहीं चलता। In fact, 25% students ने complain किया कि ragging की वजह से उनका focus और concentration करना मुश्किल हो गया। 17% को classes miss करनी पड़ी। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि मोहक UGC की study ने खुद दिखाया है कि बस 4% students को ही severe ragging से गुजरना पड़ता है। Mild ragging से थोड़ी कुछ होता है। बल्ब को फूंक मार के बुझा दो। हम सुनने देते हैं। एक बार बोल दिए ना तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पर उसी रिपोर्ट ने इसके बारे में भी अच्छी तरह बात करी। जैसे कई कॉलेजेस में एक ट्रेडिशन है जहां हॉस्टल्स के फ्रेशर्स सीनियर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर इंट्रोडक्शन एक फॉर्मेट में होता है और आपको शुद्ध हिंदी में वो रट्टा रटाया इंट्रोडक्शन बोलना पड़ता है। और अगर एक भी गलती हुई तो इंट्रोडक्शन वापस रिपीट करो। अब इसमें क्या बुराई है? पर एक स्टूडेंट ने कहा कि उन बच्चों का क्या जिनको हिंदी नहीं आती। अगर आपको हिंदी नहीं आती और आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपको कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में घुसने का मौका नहीं मिलता। इस सोशल एक्सक्लूजन से एक नेगेटिव असर पड़ सकता है स्टूडेंट्स पर। दूसरी तरफ है वो स्टूडेंट जो इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बुलाते हैं। अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव में आप लगे तो आई विल गिव 80% उसका अच्छा साइन था, 20% कुछ ये था कि बहुत ज्यादा कभी हिटिंग हो जाता था। जो रैगिंग होती है वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है। और ये सच हो सकता है कि एक्चुअली रैगिंग की वजह से बॉन्डिंग बढ़ गई हो फ्रेशर्स और सीनियर्स के बीच, पर वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रैगिंग किस तरीके की थी। अगर फ्रेशर को नंगा करके पीटा जाए तो उनमें से कितने लोग कहेंगे कि रैगिंग की वजह से कॉलेज के डर उनके मन से चले गए। पर कुछ स्टूडेंट्स इस चीज को भी स्वीकार लेते हैं। जैसे हर्ष अग्रवाल कहते हैं कि जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज के रैगिंग के दिनों के बारे में सोचता हूँ, मैं याद करता हूँ कि कैसे मेरे सीनियर्स मुझे घंटे तक पीटते थे पर उसके बाद मुझे चाय या फिर समोसे ऑफर करते थे और बोलते थे कि मुझे नोट्स बनाने में वो मेरी मदद करेंगे। ये क्लासिकल केस है स्टॉकहोम सिंड्रोम का। यही चीज हमने इस मूवी में देखी। ऐसा लग रहा है कि मैं हूं ही नहीं हूं। जैसे कोई फिल्म चल रही है और मैं देख रही हूं। या आलिया भट्ट एक इमोशनल बॉन्ड बना दिया अपने किडनैपर के साथ। स्टॉकहोम सिंड्रोम वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां वो व्यक्ति जो पीड़ा से गुजरता है वो अपने अब्यूजर को अच्छा मानने लग जाता है। ऐसा ही कई बार रैगिंग विक्टिम्स के साथ होता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ बीइंग इन दैट state, what happens is a positive feeling starts developing towards the perpetrator because it happens continuously and for a long period of time, especially if it is in a controlled environment such as in a hostel. और रैगिंग किस तरीके से होगी उसमें भी भेदभाव होता है। ये भेदभाव कभी कभी कास्ट के ऊपर निर्भर करता है। एक लड़का था उसका कैटेगरी से एडमिशन हुआ था तो दे स्टार्टेड रैगिंग हिम। व्हाट दे डिड कि उनने एक 5 रुपए का कॉइन लिया तो बोला कि इसको फूंक मार के इसको गेट से बाहर करो। ऐसे बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट से कई बार पूछा जाता है कि तुम्हारा फाइलम क्या है। फाइलम का मतलब कास्ट। और आपकी कितनी रैगिंग होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी कास्ट कौन सी है। चाहे कास्टिज्म हो या फिर रैगिंग, दोनों ही बैंड है इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से। पर ये दोनों चीजें अभी भी कायम है। इसके पीछे एक कारण है हमारी बॉलीवुड मूवीज। इसको रैगिंग बोलते क्या? डॉक्टर अनिल डावड़ा,
मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? मुन्ना भाई MBBS हो या फिर 3 Idiots, इंडियन सिनेमा में कई सीन दिखाए गए हैं जहाँ मानो रैगिंग एक मजाक करने का तरीका हो। One other main factor that I have noticed is where ragging is kind of glorified in movies. Many movies end up showing that, okay, after a period of ragging, they both become good friends and they help each other, look forward for each other. अब जरूर कुछ movies हैं जिन्होंने ragging को बहुत सहनशीलता से दिखाया है, पर ऐसी movies कितनी popular हुई हैं? दूसरी समस्या है कि कई Indian educational institutions मानना नहीं चाहते कि ragging एक समस्या भी है। इन institutions में वही problem है जो हमारे परिवारों में है। हंसेंगे लोग। कि अगर हमने ये मान लिया कि हमारे परिवार में ही खोट है तो लोग क्या कहेंगे? जादवपुर रैगिंग केस में एक स्टूडेंट ने कहा कि कई बार कॉलेज अथॉरिटी से मदद मांगी गई पर अथॉरिटीज ने कुछ किया नहीं। बीबू प्रसाद त्रिपाठी जो बार एसोसिएशन के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहती कि कई बार कॉलेज अथॉरिटीज रैगिंग इंसिडेंट्स को दबाना चाहती हैं ताकि इससे उनकी छवि खराब ना हो। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन तभी हो सकता है जब लोग ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि प्रॉब्लम है। ऐसा ही हुआ IIT दिल्ली में। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरह IIT दिल्ली में भी रैगिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कई स्टूडेंट जिन्होंने IIT दिल्ली ज्वाइन किया वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके साथ रैगिंग होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। IIT दिल्ली ने कई एंटी रैगिंग मेजर्स एक्चुअली एग्जीक्यूट करे। टीचर्स ने बहुत आसान बनाया कि स्टूडेंट्स रैगिंग के बारे में बिना डरे हुए कंप्लेन कर सके, और अथॉरिटीज ने वादा किया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जो रैगिंग करते हैं। IIT दिल्ली कुछ इंस्टीट्यूट्स में से एक है जिन्होंने ये माना है कि रैगिंग एक समस्या है, चाहे इससे पूरी प्रॉब्लम खत्म ना हुए पर कम से कम सिचुएशन सुधरेगी तो। और जादवपुर यूनिवर्सिटी अब या तो IIT दिल्ली की तरह मान सकती है कि उनके कॉलेज में रैगिंग की एक प्रॉब्लम है, या फिर इस पूरे इंसिडेंट को दबा सकती है। ये फैसला हमारी सरकार और कॉलेज अथॉरिटी लेगी। और रैगिंग कोई अकेली प्रॉब्लम नहीं है हमारे कॉलेजेस में। अगर आप मास्टर्स या फिर एक PhD स्टूडेंट हो किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में या फिर करना चाहते हो ये, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा हमारे देश के रिसर्च एनवायरनमेंट के बारे में, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इससे आप एक सवाल का जवाब ढूंढ पाओगे कि गूगल और चैट GPT जैसी कंपनीज इंडियन क्यों नहीं है। इसको देखना।